प्लीज़ आप ये मिस्टेक ना कीजिए इस बार कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही आप पूरा पूरा दिन पढ़ते रहें और अगले दिन फिर से आप पढ़ना वीडियो से ही शुरू करें। From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. हेलो दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जैसे जो कोविड की सिचुएशन की वजह से सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब बंद हो गए हैं, जो कोचिंग वगैरह, तो बंद होने के साथ साथ वो अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही आपको कोचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, एक स्टूडेंट अपना सारा टाइम सिर्फ ऑनलाइन में वीडियोज़ देखने में ही गंवा देता है। 4 से 5 से 6 घंटा वो सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देखता है, फिर वो सो जाता है, फिर अगले दिन से फिर वीडियोस देखता है। ये न्यू है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको खुद से कब पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो सेल्फ स्टडी है वही आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन में कन्वर्ट होगा, वही प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा काम आएगी जो आपकी सेल्फ स्टडी है। सिर्फ आपका वीडियोज़ देख लेना और फिर सो जाना, उससे काम नहीं चलेगा। आप प्लीज़ जितना टाइम आप वीडियोज़ देखने में, लेक्चर्स देखने में, ऑनलाइन लेक्चर्स देखने में स्पेंड कर रहे हैं, उतना ही टाइम आप पेन पेपर के साथ ऑफलाइन में खुद के साथ स्पेंड कीजिए उसको प्रैक्टिस करने में। वही टेक्निक आपकी इन दी एंड काम आएगी एग्ज़ाम में। प्लीज़ आप ये मिस्टेक ना कीजिए इस बार कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोज से ही आप पूरा पूरा दिन पढ़ते रहें और अगले दिन फिर से आप पढ़ना वीडियोज से ही शुरू करें। आप प्रैक्टिस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक मतलब 2 या 3 घंटे, अगर आप 4 घंटे वीडियोज़ देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसका हाफ टाइम आप सेल्फ स्टडी भी करें। अगर आप 4 घंटे वीडियोस देख रहे हैं तो 2 घंटे या 2.5 घंटे तो आप पक्का पक्का पेन पेपर मोड से एक सेल्फ स्टडी मोड में उतर आएँ, वही आपका इन दी एंड सिलेक्शन करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको स्टडी के रिगार्डिंग कैसा कैसा कंटेंट और देखना है, मैं आपकी वैसी वैसी वीडियोज़ बना दूंगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।